हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउस होल्ड पेस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेजर हाउस होल्ड पेस्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट शो की गई है जिसमें सभी मेजर पेस्ट इंक्लूड हैं। दिस वन फर्स्ट जो है वो है पेरिप्लांटा अमेरिकाना एंड ब्लाटिला जर्मेनिका। ये जो दोनों स्पीशीज है वो कॉकरोच की स्पीशीज है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेरिप्लांटा अमेरिकाना और ब्लाटेला जर्मेनिका, और डेक्टियोप्टरा ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं और ये इनकी सब स्पीशीज है, ठीक है, फैमिली है, फैमिली सॉरी, ठीक है। ऐसे ही इसको मतलब यहाँ पे और बहुत सारे जो मेजर पेस्ट हैं हाउस होल्ड वो मैंने बताए हैं, जैसे ग्राइलोइड हो गया, काइटा डोमेस्टिका, मोनोमोरियम इंडिकम, कैपोनस कंप्रेसिस, पॉलिस्टर हर्बिसिस एंड वेस्पा ओरिएंटल एंड पिज्मा सेकेरिना। ये सभी क्या है? हाउस होल्ड पेस्ट की टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उनके बेसिक नेम है, जैसे हाउस क्रिकेट्स हैं ये दोनों, ये ब्राउन आंट को बोला गया है मोनोमोरियम इंडिकम, और कैंपस कंप्रेसिस बोला गया है ब्लैक आंट को। वैसे ही पॉलिस्टर क्या है? येलो वास्प है, यहाँ पे ब्राउन वास्प और सिल्वर फिश है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या है, जो कॉकरोच करेंगे सबसे पहले हम, कॉकरोच में क्या आ जाएगा? एक पेरिप्लांटा अमेरिकाना कॉकरोच है। पेरिप्लांटा अमेरिकाना कॉकरोच कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? अमेरिका में, ठीक है। तो एक ब्लाटिला जर्मेनिका है और सुपीला लॉन्गी पेल्प और ब्लाटा ओरिएंटल्स। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? जो तो पेरिप्लांटा है ना, पेरिप्लांटा में क्या होगा? डार्क ब्राउन कलर प्रेजेंट होगा विद अ लाइट ब्राउन, डार्क और लाइट ब्राउन कलर होगा, ठीक है, और लार्ज साइज ऑफ कॉकरोच होगा। वैसे ही ब्लाटाला ब्लाटा ओरिएंटल है ना जो, उसमें भी डार्क ब्राउन नहीं होगा, डार्क ब्लैक होगा विद अ लाइट ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे डार्क ब्राउन ही है, यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर ही प्रेजेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? ब्लैक कलर प्रेजेंट है। और जो होगा ब्लाटा जर्मेनिका वो स्मॉलेस्ट साइज होगा, स्मॉल इन साइज होगा और पेल येलो होगा, ठीक है। ऐसे ही जो सुपीला लॉन्गी पल्पा होगा वहां पे क्या है, उसके बैंड प्रेजेंट होंगे इन दी थोरेक्स और अब्डोमिन के बीच में क्या होंगे? बैंड्स प्रेजेंट होंगे, जो कैसे होंगे? व्हाइट कलर के होंगे। तो ऐसे हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आगे हम इनकी लाइफ हिस्ट्री करेंगे। पेरिप्लांटा अमेरिकाना की लाइफ हिस्ट्री में क्या है कि जो 25 to 30 एग्स ले करते हैं, बीम शेप डार्क ब्राउन काइटिनस कैप्सूल काल उथिका। मतलब ये एग किस में ले करते हैं? एक उथिका में ले करते हैं, कैप्सूल में ले करते हैं, उसके अंदर एग होते हैं, और उस उथिका जो है उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन काइटिनस का बना होता है वो, और बीम शेप होती है उसकी। और उस उथिका में कितने एग होते हैं? 25 to 30 एग होते हैं, ठीक है। जो फीमेल कॉकरोच है वो प्रोड्यूस करती है उथिका 4 to 5 days, 4 or 5 days के अंदर वो उथिका प्रोड्यूस करती है। एंड उसमें कितने उथिका हो सकते हैं 4 and 5 day में? 15 to 19 उथिका वो ले कर देती है, ठीक है। हर एक उथिका में कितने एग्स होते हैं? 14 to 16 एग्स होते हैं, ठीक है। जो निम्फल पीरियड होता है कॉकरोचेस का, पेरिप्लांटा अमेरिकाना के कॉकरोच जो, उसका जो निम्फल पीरियड होता है, मतलब जो जब वो इमच्योर स्टेज है उनकी निम्फल पीरियड, वो कहाँ तक लॉन्ग लास्टिक होता है? 10 to 16 मंथ तक, ठीक है। और ओनली वन जनरेशन, इनकी एक ही जनरेशन होती है ईयर में, ठीक है। तो ये मैंने अभी जो डिस्कस किया है कि ये मतलब अटैच्ड उथिका, यहाँ पे ना उथिका क्या है? अटैच्ड है कॉकरोच के साथ। जब तक उसको कोई भी सुटेबल प्लेस नहीं मिल जाती जहाँ पे उसने ये एग ले करना है, तब तक ये यही यहाँ पे ही अटैच रहेगा। यहाँ पे मतलब कॉकरोच को लगेगा कि उनके एग के लिए फूड अवेलेबल है, ठीक है। कोई डार्क प्लेस हो जहाँ पे मॉइस्चर भी हो तो वहां पे क्या करेगा? ये एग ले करेगा, ठीक है। तो उथिका ऐसा होता है, बीम शेप होता है, ठीक है। तो उसमें से कैसे निम्फ निकलते हैं? एग में से कैसे निम्फ निकलेंगे? आगे व्हाइटिश कलर के निम्फ निकलते हैं, और जैसे जैसे वो मतलब वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये डैमेज क्या कॉज करते हैं? डैमेज को तो सभी को पता है, जो निम्फ्स और अडल्ट होते हैं वो दोनों ही डैमेज कॉज करते हैं। जो निम्फ होंगे कॉकरोचेस के, छोटे छोटे कॉकरोचेस हैं, वो भी तो डैमेज कॉज करते हैं ना, तो अडल्ट भी डैमेज कॉज करेंगे। ये ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ठीक है, ओमनीवोरस मतलब ये कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है।
मतलब जे मांस वगैरह भी खा सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट वगैरह ईट कर सकते हैं, और जो वैसे प्लांट्स वगैरह पे भी फीड कर सकते हैं जो भी है, ठीक है, जो हमारा फूड होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे ईट अवे बुक बाइंडिंग को खराब कर देते हैं, लेदर आर्टिकल्स होते हैं जो उनको भी खराब कर देते हैं। ये इस पे फीड क्यों करते हैं? क्योंकि इनको क्या है, स्ट्रेची ग्लू चाहिए, ठीक है, तो स्ट्रेची ग्लू के लिए ये क्या करते हैं, बुक बाइंडिंग और जो लेदर आर्टिकल्स होते हैं उन पे फीड करते हैं। जो कॉकरोच होते हैं मेनली हम कहाँ पे देखते हैं, अनक्लीन किचन में, ट्रेन में और रेस्टोरेंट्स में देखे जाते हैं, और इसको क्या है, ये क्या है, ट्रांसमिट करते हैं, डिसीजेस ट्रांसमिट करते हैं। कैसे ट्रांसमिट करते हैं, जब हमारे फूड को क्या कर देते हैं, जो कंटेमिनेट कर देते हैं विद जर्म्स, ठीक है, जर्म्स जब उनमें चले जाते हैं। तो अब इनको मैनेजमेंट इनकी कैसे कर सकते हैं, हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो हम कॉकरोचेस को इनहिबिट करेंगे डार्क मॉइस्ट प्लेसेस में, जहाँ पे बॉक्सेस, अंडर बॉक्सेस, कपबोर्ड, ड्रेन, यहीं पे पाए जाते हैं ना कॉकरोच, तो जहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको इनहिबिट करेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे, कॉकरोचेस को हम किल कर देंगे, स्प्रे कर देंगे रूम में मेलेथन की स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हमें क्या है, जो ड्रॉप मिलते हैं कॉकरोचेस ड्रॉप, ठीक है, ये भी कॉकरोचेस को किल करने के लिए यूज किया जाता है। हिट बहुत ही कॉमन है जिसको हम यूज करते हैं एज टू कंट्रोल दी कॉकरोचेस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्रिकेट्स। क्रिकेट्स में क्या आ जाएगा, ग्रेलॉयड आ जाएगा और अकेटा डोमेस्टिका। जो ग्रेलॉयड है वो हाउस में पाई जाती है, और जो अकेटा डोमेस्टिकस है ये फील्ड में पाई जाती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से ही हो रही है कि जहाँ पे क्या है, इसकी बॉडी पे क्या है, पैचेस प्रेजेंट है ब्लैक ब्लैक कलर के, ठीक है, विद अ लाइट ब्राउन कलर एंड वाइट वाइटिश लेग्स, ठीक है। तो जहाँ पे इसका कलर क्या है, डार्क ब्राउन है, तो ऐसे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके जो विंग्स होंगे ना, वो बिटवीन फोल्ड हुए होंगे, बिटवीन द टू सिरसाई, ऐसे फोल्ड हुए हैं ना, बिटवीन द टू सिरसाई, तो इसमें तो विंग्स जो होंगे वो एब्सेंट ही है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो मेल होगा उसके विंग्स होंगे, फीमेल के नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट, इनका क्रिकेट्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, दीज इंसेक्ट ब्रीड इन अ लेट समर एंड ऑटम। समर और अटॉम में, जो लेट समर अटॉम में क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, फिर एग ले करते हैं, बंचेज में होते हैं, बंचेज मतलब एक गुच्छे में होते हैं, जिसमें 30 इन होल्स इन डार्क मॉइस्ट सॉइल में, वहां पे जाके एग ले करते हैं, ठीक है। दे आर फुल ग्रोन इन 3 एंड 4 मंथ, 3 और 4 मंथ में जो क्या है, फुली ग्रो कर जाते हैं, और इनका ईयर में एक ही जनरेशन होता है। इसके बाद ये डैमेज क्या कॉज करते हैं, डैमेज में ये करेंगे ड्यू टू देयर श्रिल मोनोटोनस चिरपिंग नॉइस। मतलब जो क्या होता है, क्रिकेट्स हमने बेसिकली हम रात को देखते हैं कि जो हमारे घर पे क्रिकेट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब मोनोटोनस उनकी चिरपिंग नॉइस होती है, वो मतलब बहुत तीखी आवाज से क्या करती हैं, नॉइस प्रोड्यूस करती हैं रात के टाइम, ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, डैमेज यही हुआ ना कि हमें डिस्टर्बेंस वगैरह होती है उस वॉइस से, बस इतना ही है इसका। तो सेकंड पॉइंट है, दे आर ओमनिवोरस होते हैं, फीड करते हैं काइंड ऑन ऑन ऑल काइंड ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल पे फीड कर सकते हैं, सीरियल्स पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला ना फील्ड वाले भी हैं, तो वो सीरियल्स पे करेंगे, जो घर पे है वो कॉटन पे, सिल्क पे और वूलन क्लोथ्स पे फीड करेंगे। दे आल्सो डैमेज द क्रॉप, क्रॉप को भी डैमेज करते हैं फील्ड में, ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो एक स्पीशीज है वो क्या है, फील्ड में पाई जाती है, तो ऐसे फिर वो क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, रूट्स को ईट कर रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वेरियस क्रॉप्स की और फ्रूट्स की उनको ईट कर रहे हैं। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो डस्टिंग वगैरह कर लें अच्छे से कॉर्नर की, कॉर्नर और फ्लोर्स की, ठीक है। मेलेथिन, वहाँ पे भी मेलेथिन यूज किया था, यहाँ पे भी, ठीक है। कार्बाइल को यूज कर सकते हैं 6% एट नाइट के टाइम, बट जब हम इसे यूज कर रहे हो ना, तो ध्यान रखें कि जो हमारा फूड स्टफ है उस पे भी कोई भी जो केमिकल ना जाए, तो उसको कवर करके फिर ये काम करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, जो दो मैंने मेजर हाउस होल्ड पेस्ट जो डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।